कोरोना वायरस संकट के दौर में केरल में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 190 लोगों को ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड रनवे पर फिसल गया और बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 7 अगस्त 2020 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात से कोझिकोड भारत के लिए कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जिसमें चीफ पायलट कैप्टन दीपक साठे और उनके को पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल थे। साठे भारतीय वायुसेना में पहले विंग कमांडर भी रह चुके थे, जो कि एक एक्सपीरियंस पायलट थे। कोविड-19 महामारी के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नागरिकों को दुबई से ला रही थी, जिसमें 184 पैसेंजर्स, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू मेंबर सहित टोटल 190 लोग मौजूद थे। जब फ्लाइट कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, तब वहां मौसम बहुत खराब थी, तेज बारिश और हवाएं चल रही थी और सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फ्लाइट को रनवे 10 पर उतरना था, लेकिन मौसम क्लियर न होने के कारण पायलट ने 2-2 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन गो अराउंड कर गया और फिर से चक्कर लगाकर अब तीसरी बार पायलट ने प्लेन को लैंड कराने का फैसला किया। पायलट ने प्लेन तो लैंड करा दिया, लेकिन कुछ भी क्लियर ना दिखाई देने के कारण प्लेन टच पॉइंट से आगे निकल गया और रनवे गीला होने के कारण ब्रेकिंग सिस्टम ने भी ठीक से काम नहीं किया, जिसके कारण प्लेन रनवे से बाहर लैंडिंग के वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों में से 17 पैसेंजर्स, 1 क्रू मेंबर और दोनों पायलटों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। AIB ने अपना आखिरी रिपोर्ट 11 सितंबर 2021 को जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना का मेन कारण सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP का पालन नहीं करना था। को पायलट अखिलेश कुमार ने लैंडिंग के लिए मना कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक को पायलट का कहना था कि हमें तीसरी बार गो अराउंड करना चाहिए, अभी लैंडिंग कराना सेफ नहीं होगा। इसके बावजूद पायलट ने गो अराउंड नहीं किया और रिस्क लेते हुए तीसरी बार लैंडिंग कराई, जिसमें प्लेन ने अपना बैलेंस खो दिया और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई, बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में छिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि तेज आवाज सुनकर वे एयरपोर्ट की ओर भागा। उन्होंने कहा छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे, बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई की हालत बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा कईयों के पैर टूटे हुए थे।